उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए अनेकों क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना बहाया, अपनी जान की बाजी लगाई और अपना बलिदान देकर उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाया। किंतु उनके द्वारा एक समृद्ध उत्तराखंड के लिए देखे गए सपने नेताओं के द्वारा चौपट किए गए। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद उत्तराखंड के ऋषिकेश में कल एक और आंदोलन की झलक देखने को मिली। उत्तराखंड जनता पार्टी के युवा नेता कनक धने ने कल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास का घेराव किया, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस बारे में कनक धने का क्या कहना है। ये विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा जो 75 नियुक्तियां हुई थी, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे धरना करना चाहा। उसी के विरोध में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। निजी आवास घेराव करने जा रहे थे आप लोग? जी, निजी आवास घेराव करने गए, निजी आवास घेराव करने जा रहे थे? नहीं, मंत्री जी निजी आवास में ही रहते हैं और विधानसभा से बाहर जो शासकीय और राजधानी में मिलता है, राजधानी दूर है और वो हमारे विधायक भी हैं, तो हम एज अ विधायक उनका घेराव करने गए थे, जो कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक है और मर्यादित रूप में हम उनका घेराव और एकदम गांधीयन स्टाइल में हम लोग घेराव करना चाह रहे थे, परंतु हम घर के बाहर तक पहुंच गए थे। इन भर्तियों से देवभूमि उत्तराखंड की छवि को दाग लगा है। भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को बारी बारी से ठगा है। विपक्ष चुप्पी साधे रहता है, चलो कोई तो है जो आवाज उठा रहा है, चलो कहीं तो क्रांति की आग सुलग रही है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे मामले को समझते हैं। युवाओं को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो। उत्तराखंड जनेकता पार्टी के युवा नेता कनक धने तय कार्यक्रम के अंतर्गत ऋषिकेश पहुंचे और उन्होंने वहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास का घेराव किया। प्रेमचंद अग्रवाल जो पूर्व में उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और उनके उस कार्यकाल में अनेकों ऐसी भर्तियां हुई जो सवालों के घेरे में है। मंत्रियों के सगे संबंधियों रिश्तेदारों को ही अनेकों पद पर नियुक्त किया गया। इसी के जवाब लेने के लिए आज कनक धने प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर पहुंचे तो वहां से पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया और गिरफ्तार कर लिया। कनक धने का कहना है कि विधानसभा भर्ती जवाब लेने के लिए जब मैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के आवास ऋषिकेश पहुंचा तो पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार किया गया। मेरे सवालों में ऐसी कौन सी आपराधिक बू आपको नजर आई जो पुलिस को आगे करके आपने सवालों से बचने का सहारा लिया? जब भी आप कुछ गलत करोगे आपको सदैव मेरा सामना करना पड़ेगा। स्थानीय जो विधायक है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष है, उनके घर का घेराव करने के लिए कनक धने ही आए हैं जिनका कल से कार्यक्रम प्रस्तावित था।